आपके माध्यम से मैं सबसे पहले लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके घरों के अंदर रहें, तो अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तभी वो घरों से बाहर आएँ, और ख़ासकर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ध्यान रखें, मास्क लगाते रखें, हैंड सैनिटाइजर और हाथ का हाथ की जो धोने की प्रक्रिया है वो करते रहें। इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो डिफरेंट गाइडलाइंस इशू की हैं गवर्नमेंट ने, उनका पालन करते रहें, ताकि ये जो कोरोना की महामारी है, इस टाइम जो थर्ड लहर तीसरी लहर जो है इसका प्रकोप जो है चल रहा है, तो इससे वो अपने आप को भी बचाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं। तो सर जो टेस्टिंग है वो कितनी जगह पर जो है आरसपुरा में की जा रही है? इस समय आरसपुरा में हमारी 6 टीमें हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो डिफरेंट बैंक्स में भी हैं, डिफरेंट ऑफिसेज में भी हैं, स्कूल्स में भी हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो टेस्टिंग जो रूटीन में चल ही रही है। तो टेस्टिंग भी मेरी लोगों से गुजारिश है कि जिसमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, जिसमें किसी को अपने आप पर शक है, वो आके टेस्ट करा लें, ताकि अगर खुदा ना करे वो पॉजिटिव हैं तो उस शक के साए में वो अपने जो है फैमिली को ना उसमें इन्वॉल्व करें, जिससे उसकी फैमिली भी बच के रहे। देखें जी, हमने भी अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्समेंट की टीम्स है, हमारे नायब जिलेदार साहिबान, हमारे गिरदावर साहिबान हैं, वो गश्त लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारी पुलिस की टीमें भी हैं, वो भी गश्त लगा रही हैं, जहाँ जहाँ उनको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अगर कहीं पे पालन नहीं हो रहा है तो उन पर हमने चालान भी किए हैं, चालान भी चल रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे एनफोर्समेंट से ज़्यादा हम लोगों से ये अपील करेंगे कि वॉलंटियरली वो इस चीज़ की, इस महामारी को समझें, और ख़ुद ही वो सामने आके, अगर हमारे जो दुकानदार भाई है, जो हमारे व्यापार मंडल के जितने भी लोग हैं, उनको इसकी बारे में समझ आना चाहिए कि ये कितनी बड़ी महामारी है, तो लोगों को वहाँ पर जमावड़ा ना होने दें, प्रॉपर मास्क जिसने पहना है उसी के साथ अपनी जो है लेन देन करें, और सैनिटाइजर्स का जो है इस्तेमाल करें, अपनी दुकान पर सैनिटाइजर्स भी रखें।